बार इंदौर से है। जो इंदौर में सोमवार से G20 कृषि समूह की बैठक शुरू हुई है। इसमें G20 के 19 सदस्य देशों के प्रतिनिधियों के अलावा 10 विशेष आमंत्रित देश और 10 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के 100 प्रतिनिधि शामिल हुए। 3 दिन तक विभिन्न देशों के प्रतिनिधि कृषि से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा कर प्रस्ताव तैयार करेंगे। इसमें शामिल होने मुख्यमंत्री भी इंदौर पहुंचे। मुख्यमंत्री ने विदेशी मेहमानों को संबोधित किया और कहा कि भारत की परंपरा है अतिथि देवो भव, देश के सबसे स्वच्छ शहर में आपका स्वागत है। वसुदेव कुटुंबकम, सारी धरती एक परिवार, ये सोच वर्षों से भारत की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश में 60,000 किसान प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। मित्रों, एक और महत्वपूर्ण चीज है, वो है कृषि का प्रगतिकरण। अब गेहूं के उत्पादन में आज जरूर शॉर्टेज है, विश्व के परिदृश्य के कारण, रूस और यूक्रेन के युद्ध के कारण, लेकिन कई बार एक परंपरा बन जाती है जिससे मध्य प्रदेश गेहूं को उगाते हैं, चावल उगाते हैं, लेकिन एक सीमा होती है किसी चीज के उत्पादन की, और इसलिए जिन चीजों की जरूरत है उन चीजों की का उत्पादन हम कैसे बढ़ाए, उसके लिए भी हम लगातार प्रयत्न करते हैं। फूलों की खेती, फलों की खेती, सब्जियों की खेती, औषधीय खेती, कृषि वानिकी, और उसके साथ साथ एक और महत्वपूर्ण चीज जो एलाइड सेक्टर है, पशुपालन हो, मछली पालन हो, अलग अलग तरह के दुग्ध उत्पादन।